तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, फेस्टिवल स्टार्ट होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो सबके घर में क्लीनिंग भी चालू हो गई होगी, आई होप। तो बस आज मैं आपके साथ अपने बेड बॉक्स की क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर रही हूँ। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द ऑल्टर आइडियाज़ बाय प्रिया। तो मैं प्रिया हूँ। तो आज मैं आपके साथ अपने बेड बॉक्स की क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन शेयर करने जा रही हूँ। तो मैंने अपने बेड बॉक्स को कैसे अरेंज किया है, कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है, ये मैं आपके साथ दिखाऊंगी। तो मेरा ये डबल बेड बॉक्स है, तो इसमें देखिए कैसे सारे सामान पड़े हुए हैं। तो अभी हम इसे सारा रिमूव करेंगे, उसके बाद फिर क्लीनिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो आई होप आपको कुछ हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे बच्चे भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ मेरी बेटी पेंट ब्रश से क्लीन कर रही है। उसके बाद सारे साइड की क्लीनिंग करने के बाद मैंने इसी ब्रश से सारे डस्ट को उठा लिया था डस्ट ट्रे में। तो बस ऐसे ही मैं अपने बेड बॉक्स को क्लीन करती हूँ। तुम सफाई कर रहे हो क्या? हाँ, तुम सफाई कर रहे हो क्या? तो तुमको दिखाना है। सफाई कर रहे हो क्या? उसको दे दो, मुझे दे दो उसको। चलो करो सफाई। तो बेड बॉक्स को अच्छे से क्लीन करने के लिए मैंने दोनों ही ऊपर की प्लाई हटा दी थी, जो कि मैंने अकेले अपनी बेटी के साथ मिलके किया था। तो दोनों को अच्छे से क्लीन करके उस पर मैंने पेपर स्प्रेड किया था पहले, और फिर मैंने सामान को रखा था। तो आप जो भी रखते हो बेड बॉक्स में, उसको ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये देखिए मेरा ऑर्गेनाइज हो गया है बेड। तो एक साइड मैंने बच्चों के खिलौने और कुछ मतलब डेकोरेशन के आइटम्स हैं वो सब रखे हुए हैं, और बेडशीट वगैरह रखी हुई है। और एक में मैंने नए कपड़े रखे हैं जो बर्थडे में मिले रहते हैं बच्चों के, और सूट केस है। और साथ ही मैंने इसमें अपनी साड़ियाँ भी रखी हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैवी हैं, तो वो कभी कभी यूज़ होती हैं। तो उसे मैंने साड़ी कवर में करके 4 से 5 साड़ियाँ होंगी उसको एक ही में रख दिया है मैंने। तो बस यही मेरा ऑर्गेनाइजेशन है। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने बेड बॉक्स को अरेंज कर सकते हो। आप क्या रखते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये सब रखती हूँ क्योंकि ये सब के लिए और कहीं जगह नहीं है, तो इसी में रख देती हूँ। और जो ब्लैंकेट्स वगैरह है मेरे पास बड़े बड़े, वो सब हम लोग के पास एक बड़ा सा ट्रंक है उसके अंदर रखते हैं। तो बस ये ऑर्गेनाइज हो गया है। अब इसके ऊपर मैं अपना जो ऊपर का प्लाई है उसको एडजस्ट करके लगा दूँगी अच्छे से। तो आगे आपको मेरी गोदरेज अलमीरा की ऑर्गेनाइजेशन वीडियो भी मिलेगी देखने को। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आगे अच्छे अच्छे DIYs भी आने वाले हैं, क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो DIYs भी ज़रूरी हैं घर को डेकोरेट करने के लिए। तो डेकोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन क्लीनिंग वीडियो बैक टू बैक आने वाले हैं। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।